आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट ढाबे वाली पनीर की सब्जी। शाही पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी और यमी बनेगी। इसे बनाना बहुत आसान है, घर पर बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो देखना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इधर इसे बनाने के लिए मैंने टमाटरों को कुछ इस तरह से कट कर लिया और साथ में लिए मैंने प्याज और दो हरी मिर्च को इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया। थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया, 7 से 8 मैंने लिए काजू, इस ये ऑप्शनल है। आप इसमें काजू की जगह मूंगफली भी डाल सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। साथ में मैंने लिए पनीर और ये मैंने लिया है दही 3 बड़े चम्मच, और ये मैंने घर की फ्रेश क्रीम ली हुई है। आप चाहें तो मार्केट वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। ये घर पर जो मेरे दूध में मलाई आती है बस मैंने वही इसके अंदर निकाल के ले ली है। आपके पास जो आप उसे इसके अंदर डाल सकते हो। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। आज की हमारी पनीर की सब्जी बनने वाली है कुकर में। तो इधर मैंने गैस पे दिया है कुकर, मैंने गैस को ऑन कर दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी रिफाइंड ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल घर में यूज़ करते हो आप उसके अंदर डाल सकते हो। मैंने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। खड़े मसाले में हमने लिया है 1 तेज़पत्ता, 5 से 6 काली मिर्च, 2 मैंने लिए हैं लौंग, और 1 छोटा सा टुकड़ा लिया है दालचीनी का। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, छोटा सा लिया है। 2 मैंने लिए हैं इलायची। इलायची को हम इस तरह से मुँह खोल के डाल देंगे, क्योंकि क्या होता है इलायची फट जाती है और आपको लग भी सकती है। तो अब उसके बाद कुछ सेकंड उनको भूनने के बाद इसके अंदर डाल देंगे प्याज और अदरक। इनको हम 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे। स्लो मीडियम गैस कर रखी है इस टाइम पर मैंने, और उसके थोड़ी देर के बाद ही हम डाल देंगे इसके अंदर काजू, हरी मिर्च और टमाटर, सबको डाल देंगे। काजू की जगह आप इसके अंदर खरबूजे के बीज या फिर मूंगफली जो आपके पास हो आप ले सकते हो। इससे क्या अच्छी क्रीमीनेस इसके अंदर आती है, तो इस वजह से हम इसे डालते हैं। और मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद हम इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स, और साथ में डालेंगे हम इसके अंदर पानी। पानी इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे हम, जिससे कि हमारे ये जो प्याज और टमाटर अच्छे से भुन जाए और बाद में जो पानी बचे हम उसे ग्रेवी के अंदर यूज़ कर लेंगे। उससे क्या सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इधर मैं इसमें 2 सीटी आने तक इसे पका लेते हैं। 2 सीटी में हमारे टमाटर प्याज अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं 2 सीटी के बाद। 2 सीटी इसके अंदर आ गई है, सीटी को मैंने पूरा अच्छे से निकाल लिया है। इधर मैंने आपने देखा कुकर को खोल लिया है, तो आप देख सकते हो हमारे प्याज टमाटर हरी मिर्च सब अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसे ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। हमें इसे पानी के समेत नहीं पीसना है, पानी को हमें निकाल देना है। सिर्फ हमें ये प्याज टमाटर चाहिए, और आप चाहें तो खड़े मसालों को इसके अंदर से निकाल सकते हो। अंदर लिया है मैंने एक पैन, पैन के अंदर डाला है मैंने 1 बड़ा चम्मच घी। घी के मेल्ट होने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी लाल मिर्च। ये काश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे कि सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है, इसमें तीखा नहीं होता। और इसके अंदर डाला है मैंने थोड़ा सा नमक, और 1/2 चम्मच से भी कम डाली है हल्दी। और इसके अंदर डाला थोड़ा सा शाही पनीर मसाला। आप कोई भी गर्म मसाला यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास घर में हो। मेरे पास शाही पनीर मसाला था, वो मैंने डाल दिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे पनीर के क्यूब्स। मैंने पनीर को कुछ इस तरह से चौकोर शेप में कट कर लिया। इससे क्या होगा कि ये स्टेप बिल्कुल इसके अंदर ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, अगर पसंद है तो आप कीजिए। ये मेरी खुद की एक ट्रिक थी इसके अंदर। इससे क्या है सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छी मतलब स्पाइसनेस आती है, बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो हम इसे बस 1 से 1.5 मिनट ही इस तरह से फ्राई कर लेंगे पनीर को। इसके अंदर मसाले भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो हल्की सी ऊपर लेयर आने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो गया आपकी सब्जी। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। तो अब मैं इसे पैन में छोड़ दूंगी। ये देखिए ये मसाले थे, मैंने ठंडे कर लिए, मैं इनको पीस कर तैयार कर लेती हूँ। इधर साइड में मैंने एक कढ़ाई में डाला है रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो जो आप घर में यूज़ करते हो। इसको मैंने हल्का सा गर्म किया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या सब्जी का कलर अच्छा आता है, तीखी कम होती है, तीखी ना के बराबर होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। अब ये जो हमने प्यूरी बना के तैयार की है इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। प्यूरी को हम इसके अंदर करेंगे मिक्स। आप देख सकते हो कितने मतलब कलरफुल मतलब बिल्कुल हमारी सब्जी एकदम कलरफुल सी हो गई है, बहुत ही अच्छी है लग रही है दिखने में भी। अब जो जार के अंदर मसाला रह गया उसके अंदर जो हमारा टमाटर वाला पानी बचा था वही मैं उस जार के अंदर डालूंगी और इसके अंदर डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और ये मैंने लिया है भुने जीरे का पाउडर। साथ में डालिए मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो हमने पहले कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी बिल्कुल तीखी नहीं होती है, तो आप तीखा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो इसके अंदर। तो ये इधर मसाला अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है दही। दही को डालते वक्त हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे हमारी सब्जी एकदम क्रीमी क्रीमी आपको दिख रही होगी इस टाइम पर। और अब मैं इसे ढक दूंगी, ढक के हम इसे
3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे स्लो मीडियम गैस पे। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम, मिक्स करने के बाद जो हमने मलाई ली थी घर की वो, ये मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भर के मलाई डाल दिया। मलाई को डालने के बाद हम इसे फिर से कर देंगे अच्छे से मिक्स। देखिए आप देख सकते हो मलाई डालने के बाद हमारी सब जो सब्जी है उसका कलर एकदम चेंज हो गया, एकदम क्रीमीनेस हमारी सब्जी के अंदर आ गई है। तो अब ये मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा हल्का सा इसे रोस्ट कर लिया था, तो मैंने इसे रोस्ट करके डाल दिया इसके अंदर। इसे डालने के बाद फिर से हम इसे मिक्स करेंगे और अब डालेंगे इसके अंदर शाही पनीर मसाला। मसाला मैंने सब्जी के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक अब डाला है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप कोई भी इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि सब्जी के अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला इसके अंदर टेस्ट आएगा। इधर मैंने सब्जी को ढक दिया है 4 से 5 मिनट स्लो मीडियम गैस पे। तो आप देख सकते हो सब्जी ने हमारा अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, क्योंकि सब्जी की थोड़ी थिकनेस लग रही थी मुझे, थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी गाढ़ी या पतली जैसी आपको पसंद हो आप रख सकते हो। उसके बाद हम डाल देंगे पनीर जो हमने फ्राई किया था। आप इस टाइम पे कच्चा पनीर भी डाल सकते हो, ये मेरी खुद की एक इसके अंदर ट्रिक थी, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है आप इसे कैसे पसंद करते हो। अगर कच्चा डालना चाहते हो तो कच्चा भी डाल सकते हो, उससे सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। लेकिन आप इस तरह से अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर फॉलो करें, आपकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी बनकर तैयार होगी। इधर आप देख सकते हो सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो मैंने इसके अंदर नमक टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा सा नमक इसके अंदर कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और जिस भी फैमिली फ्रेंड्स को पनीर की सब्जी पसंद है उसके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लें। इधर हमारी सब्जी बनकर हो गई है रेडी। तो आप देख पा रहे हो सब्जी के अंदर कितना अच्छा कलर, बिल्कुल परफेक्ट इसकी थिकनेस है। तो लास्ट में थोड़ा सा डाल दिया हरा धनिया और गार्निशिंग के लिए, इसे मिक्स कर देते हैं और निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो आप इसे रोटी पराठा नान किसी के साथ भी खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगती है। इधर हमारी सब्जी हो गई है बिल्कुल रेडी सर्व करने के लिए। ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी लेकिन खाने में उतनी ये टेस्टी थी। तो मैं इसे थोड़ा सा और गार्निशिंग कर देती हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट या ढाबे वाला इसके अंदर दिखने में लुक आए इसका। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।